डीजे रविश ये तो अपना फैन निकल गया भाई। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डीजे रविश और आज मैं हूँ जयपुर में एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैं आज यहाँ के लोगों से पूछने वाला हूँ कि क्या वो डीजे और डीजेइंग के बारे में कुछ जानते हैं और क्या उन्हें मालूम है कि 9 मार्च को वर्ल्ड डीजे डे होता है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रिएक्शंस मिलते हैं। हाँ, तो आप अपना नाम बताएंगे? श्याम ओझा। और आपका नाम? विनोद पंडित। विनोद पंडित, मैं आपसे दो तीन एकदम आसान सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 5 minutes later. 2 hours later. 6.5 hours later. 2000 years later. 15 August. January. इन्होंने कहा 15 अगस्त, इन्होंने कहा 26 जनवरी, 15 अगस्त। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती। अच्छा 8 मार्च को क्या होता है? पता नहीं। पहले मैं आपको बता दूं, 8 मार्च को महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि 9 मार्च को क्या है? नहीं पता सर। नहीं नहीं, 9 मार्च को, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 9 मार्च को इंटरनेशनल डीजे डे होता है। डीजे डे, हाँ। क्या आप जानते हैं डीजे कौन होता है और वो क्या काम करता है? डीजे वो नाचने गाने वाला होता है। और डीजे जो बजाता है ना ऊपर, जो गाने गुने बजाता है, टून टून। अब आप दोनों ये डिसाइड करके बता दो कि डीजे नाचने गाने वाला होता है या बजाने वाला होता है। ऊपर वो ऐसा लगा कि बजाने वाला होता है ना, बजाने वाला होता है। जो बजाने वाला होता है उसको डीजे कहते हैं। तो आप लोग म्यूजिक सुनते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कैसा म्यूजिक पसंद है आपको? पंजाबी हिंदी दोनों। जो आपका मूड है, जो आपका मूड है वो सुन लेते हैं। आप लोग कोई पार्टी अटेंड करिए, कभी किसी डीजे को सुना है? नहीं, डीजे को नहीं सुना है। मतलब नॉर्मल जो डीजे होते हैं घर में, तो शादी वाले, वो जरूर सुने, पर उसमें वो ऐसा ऐसा वर्क करने वाला नहीं है। Wait a minute. तो कोई आपका कोई फेवरेट डीजे नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, डीजे देखा ही नहीं। चलिए धन्यवाद, मैं आज आपने एक डीजे को देख लिया, आपके सामने बैठा है। ठीक है, थैंक यू जवाब देने के लिए। आपका नाम? राजीव। राजीव, तो राजीव मेरे को आपसे दो चार सिंपल सवाल पूछने। इंडिपेंडेंस डे कब आता है? 15 अगस्त को। ओके, और 26 जनवरी को क्या है? रिपब्लिक डे। और 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को आठ मार्च को मैं आपको जवाब दे देता हूँ। 8 मार्च को है वुमेन्स डे। ओके, आपको मालूम था इसके बारे में? नहीं, अभी आपने बताया ना। कोई दिक्कत नहीं। और 9 मार्च को क्या होता है? पता नहीं, वुमेन्स डे के अगले दिन आता है और क्या होगा। तो क्या पता मेन्स डे भी हो सकता है ना। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 9 मार्च को होता है इंटरनेशनल डीजे डे। क्या आपको मालूम है डीजे कौन होता है या क्या काम करता है? डीजे जो गाने वाने बजाते हैं। ओके, तो आप कभी किसी डीजे को सुने हैं? आपका कोई फेवरेट डीजे है? हाँ, डीजे चेतन आपका फेवरेट डीजे? डीजे चेतन जयपुर वाला? नहीं, मैंने क्या है कि उसके कुछ एल्बम्स वगैरह सुने हैं, कुछ उसकी कुछ रिमिक्सेस, तो अच्छा लगा मुझे। और किस टाइप का म्यूजिक पसंद है आपको? म्यूजिक मुझे पंजाबी। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, आपका नाम? दिव्या। दिव्या, दिव्या बहुत सिंपल दो तीन मेरे को आपसे सवाल पूछने हैं। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को। और 15 अगस्त को क्या होता है? इट्स इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। अच्छा 8 मार्च को क्या है? वुमेन्स डे। ये तो सारा रट के ये लगता। और 9 मार्च को क्या होता है? वुमेन्स डे का नेक्स्ट डे। वुमेन्स डे का नेक्स्ट डे। चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। 9 मार्च को है इंटरनेशनल डीजे डे। क्या आपको मालूम है कि डीजे कौन होता है, क्या काम करता है? लाइक क्लब्स, इट्स फॉर क्लब्स, लाइक क्लब्स में पार्टीज एंड ऑल के लिए कंसोल जो हैंडल करता है, काइंड ऑफ। अच्छा, कंसोल जो हैंडल करता है उसको डीजे कहते हैं? काइंड ऑफ। ठीक है, आपका जवाब काइंड ऑफ ठीक भी है कि डीजे वो बंदा होता है जो म्यूजिक प्ले करता है, उसका फुल फॉर्म होता है डिस्क जॉकी। तो आपका कोई फेवरेट डीजे है? डीजे रेहा।
जी हाँ, आपकी फेवरेट डीजे। ओके, और आपको म्यूजिक किस टाइप का पसंद है? It depends up to the situation in mood ke according music aap sunna pasand karte hain to aap events and parties attend karte hain yeah theek hai to ab aapko yaad rahega 9 march ko kya hai yeah international dj day chaliye thank you so much okay thank you okay aapka naam kya hai farooq mansoori aur aapka neeraj kumar main bahut simple aapse do char mere ko sawal puchne 15 august ko kya hota hai 15 august swatantra divas aur 26 january ko 26 january jhanda phasta hai झंडा फहराते हैं हाँ। लेकिन उस दिन होता क्या है? उस दिन देश का सबसे बड़ा मतलब खुशी का दिन होता है। खुशी का दिन होता है, आपको पता है 26 जनवरी क्या है? मालूम, गणतंत्र दिवस है वो। इस दिन दिवस आपने एकदम सही जवाब दिया। मेरे को अब आपसे सवाल पूछना है कि 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को होली होती है शायद। क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। देखिए चलिए मैं बता देता हूँ, 8 मार्च को महिला दिवस होता है। महिला दिवस होता है, आपको मालूम है इसके बारे में? नहीं मालूम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 9 मार्च को क्या है? 9 मार्च का दिन आपको पता है 9 मार्च को क्या है? नहीं। अच्छा चलिए ये भी मैं बता देता हूँ, 9 मार्च को है विश्व डीजे दिवस। आप जानते हैं डीजे कौन होता है, क्या काम करता है? नहीं मैंने नहीं सुना कभी। आपने कभी किसी डीजे को नहीं सुना? मूवी देखी मैंने डीजे। कौन सी मूवी देखी थी डीजे की? क्या नाम है इसका, अल्लू अर्जुन की है जी। अल्लू अर्जुन की मूवी देखी थी मैंने डीजे, डेविड डीजे की। अच्छा अच्छा, आप म्यूजिक सुनते हैं? हाँ म्यूजिक सुनता हूँ। और कभी किसी कोई पार्टी अटेंड करी है किसी डीजे की, कोई आपका पसंदीदा डीजे हो? हाँ शायद एक आध की है। आपका नाम पता है किसी पसंदीदा आपके, किसी भी डीजे का नाम मालूम है आपको, दुनिया के किसी भी डीजे का? ऐसे तो बहुत सारे डीजे दोस्तों के, इनके मुझे नाम याद नहीं मेरे को उनके। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। हेलो, आपका नाम? आलिया। आपका नाम? नेहा। आपका नाम? सिमरन। और आपका नाम? इमरान। मेरे को आप लोगों से बहुत सिंपल दो चार सवाल पूछना है। पहला सवाल मेरा ये है कि 26 जनवरी को क्या होता है? मतलब कि तिरंगा वगैरह। मतलब 26 जनवरी को क्या है? देश आजाद हुआ था हमारा। आपको मालूम है 26 जनवरी को क्या है? इस दिन हमारा संविधान लिखा गया था। संविधान लिखा गया था, ये हमारा रिपब्लिक डे होता है। आजाद हुआ, आजाद हम कब हुए थे? 15 अगस्त। 15 अगस्त को आजाद होता है, बहुत सही। अब मेरा अगला सवाल है कि 8 मार्च को क्या है? 8 मार्च को क्या है? वुमेंस डे। आपने एकदम सही बोला, 8 मार्च को वुमेंस डे है। अगला और आखिरी सवाल मेरा ये है कि 9 मार्च को क्या है? अरे इंसल्ट हो जाएगी तुझे। मुझे नहीं पता 9 मार्च को। आई डोंट नो, आई थिंक फादर्स डे। 9 मार्च को फादर्स डे बताया मैंने। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 9 मार्च को है इंटरनेशनल डीजे डे। क्या आप लोगों को मालूम है डीजे कौन होता है, क्या काम करता है? हाँ डीजे जो डीजे प्ले करते वही होता होगा। नो गॉड प्लीज नो नो No! ये वही जो जिस पे डांस करते हैं। Another one. आपको मालूम है डीजे कौन? डीजे जो बजाता है वो। Another one. नहीं डीजे एक इंसान जो मतलब पर्सन होता है वो जो बजाता है उसको बोलते हैं ना। पर्सन ही तो बजाएगा किसी डीजे को, वरना वो अकेला किसी पर्सन बजाएगा किसी डीजे को। अभी भी गलत जवाब आ रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। डीजे वो इंसान होता है जो म्यूजिक बजाता है। डीजे को थोड़ी ना बजाएगा। अच्छा चलिए, आप लोग पार्टीज करते हैं? नहीं मैं तो नहीं। अच्छा म्यूजिक सुनते हैं? हाँ। आपका कोई फेवरेट डीजे है? नहीं नहीं। आपका कोई फेवरेट डीजे? नहीं है, बट नाम याद नहीं है, बट नाम याद नहीं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, मेरे को इतना ही पूछना। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ब्रो आपका नाम? शिवांग शर्मा। शिवांग। आपका? नमन। रमा। ओके मैं अब सिंपल सा सवाल पूछना मेरे को कि 8 मार्च को क्या है? वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। वुमेंस डे है, वुमेंस डे। तो तीनों को ये मालूम है कि 8 मार्च को क्या है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 9 मार्च को क्या है? 9 मार्च को कुछ नहीं है। 9 मार्च को बर्थडे है मेरा। बर्थडे आपका? चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका? सर होली। होली हाँ, छोटी। 9 मार्च को मंडे भी है। मंडे भी है, ये बहुत सही जवाब है। 9 मार्च को मंडे है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9 मार्च को इंटरनेशनल डीजे डे होता है। अच्छा। ठीक है, तो आप में से कुछ कोई जानता है कि डीजे कौन होता है, क्या करता है?
डिस्क जॉकी होता है डीजे। एक बार वापस डिस्क जॉकी। तो उसका रोल क्या होता है, वो क्या काम करता है, कुछ आइडिया आपको? नहीं इतना आइडिया नहीं है। म्यूजिक सुनता है बहुत, ऑफिस में काम ही म्यूजिक। किस टाइप का म्यूजिक पसंद है आपको? हर मैं लाइक मेरा ऐसा होता है कि मैं अगर इमोशनल म्यूजिक सुनती हूँ तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ। मोस्टली ऐसा पसंद है कि लाइक थोड़ा डीजे टाइप और म्यूजिक बढ़िया मजा आता है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वो डीजे टाइप क्या होता है। डीजे टाइप जो होता है बढ़िया मजा आता है, म्यूजिक बस डांस करने का मन होता है। चलिए थैंक यू सो मच। तो इनको मालूम है कि डीजे कौन होता है, क्या काम करता है, इनको आइडिया है? आप पार्टी जाते? बहुत जाते हैं, बहुत पार्टीज अटेंड करते हैं। आप भी करते हैं पार्टीज अटेंड? पार्टीज हाँ, लोकल करते हैं ऐसे, बाहर कहीं नहीं जाते। चलिए थैंक यू गाइस। तो मेरे को बस यही पूछना था आप लोगों से कि 9 मार्च इंटरनेशनल डीजेस डे के बारे में आपको मालूम है क्या? जी। तो आपको डेट के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन एटलीस्ट आपको ये मालूम था कि डीजे कौन होता है, क्या काम करता है। चलिए थैंक यू सो मच। हाय, सो मैं अभी हूँ इन दो बहुत ही स्मार्ट लड़कों के साथ। तो आप अपना नाम बताइए। विशाल। और आपका? संदीप। संदीप, तो विशाल और संदीप, क्या आपको ये मालूम है कि 8 मार्च को क्या है? 8 मार्च को क्या? सॉरी आई हैव नो आईडिया। पता नहीं। अच्छा मैं बता देता हूँ, 8 मार्च को है वुमेन्स डे। ओके, 8 मार्च को वुमेन्स डे। अच्छा अब आपसे मैं ही पूछना चाहूंगा कि आपको मालूम है 9 मार्च को क्या है? नो शहीदी दिवस। शहीदी दिवस, ओके ठीक है। नहीं, 9 मार्च को होता है इंटरनेशनल डीजे डे। क्या आप जानते हैं डीजे कौन होता है या क्या होता है? शायद, अरे नहीं मैं गलत। डीजे डीजिंग के बारे में कुछ आइडिया? अच्छा आप बिल्कुल भी नहीं जानते डीजे? ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगा, डीजे वो बंदा होता है जो म्यूजिक प्ले करता है पार्टीज के अंदर। कभी आपने कोई इवेंट अटेंड कराया? कभी किसी डीजे को जानते हो? नहीं, बाय नेम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ आपने बताया मुझे तो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आपने कभी कोई इवेंट, कोई पार्टी, कभी इवेंट वगैरह नहीं जो इनके, बट हमारे दोस्त लोग हैं। अच्छा म्यूजिक सुनते हैं आप दोनों? कौन सा म्यूजिक पसंद है, कैसा म्यूजिक पसंद है? इंडियन ट्रेडिशनल क्लासिकल भी पसंद है। क्लासिकल पसंद है। और आपको? पंजाबी। पंजाबी पसंद। ओके थैंक यू गाइस। या आपका नाम? सेजल बालीवाल। सेजल। आपका? यश। यश। हर्ष। अच्छा दो यश है, एक हर्ष है और एक सेजल है। बहुत सिंपल सा सवाल है आपको, ये मालूम है 8 मार्च को क्या है? वुमेन्स डे। ठीक है, 8 मार्च तो आपने सही जवाब दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 9 मार्च को क्या है? पता नहीं। वुमेन्स डे को एक दिन हो जाएगा। अच्छा मैं आपका जवाब दे देता हूँ, 9 मार्च को इंटरनेशनल डीजे डे। आप जानते हैं डीजे कौन होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया? द वन हु मेक्स एवरीवन रॉक देयर फीट। डिस्क जॉकी जो म्यूजिक्स वगैरह मिक्स करता है। बहुत बढ़िया। पहली बार मेरे को बहुत इंटेलिजेंट जवाब मिल रहे हैं। ये हमारा जयपुर का यूथ है जो एक्चुअली समझता है डीजे होता कौन है, अदरवाइज तो मेरे को बहुत फनी आंसर मिले अभी तक। सो यस, 9 मार्च को इंटरनेशनल डीजे डे है। दिस इज़ अ डे जो कि डीजेस के कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड को रिकॉग्नाइज करता है ना, मेरे जैसे गरीब डीजेस के लिए एक दिन बनाया हुआ है। सो या थैंक यू गाइस, आपको पता था, सो थैंक यू सो मच जवाब देने के लिए। हाय, आपका नाम? राहुल सिंह। आपका? शिवालिका। जया। जया। ओके, बहुत सिंपल से मेरे को आपसे 2-3 सवाल पूछने हैं। इंडिपेंडेंस डे कब है? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। और रिपब्लिक डे कब आता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? नो आइडिया। अक्टूबर 2nd अक्टूबर। ओके ओके, सॉरी माय मिस्टेक। 8 मार्च को क्या है? 8 मार्च को वुमेन्स डे। हाँ वुमेन्स डे है। आठ मार्च को वुमेन्स डे है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 9 मार्च को क्या है? आई डोंट नो। साइंस डे। नहीं गया साइंस डे। ओके, मैं आपको जवाब देता हूँ कि 9 मार्च को है इंटरनेशनल डीजे डे। तो आप में से कोई जानता है कि डीजे कौन होता है और वो क्या काम करता है? डीजे जो क्लब के अंदर प्ले करता है म्यूजिक। एकदम सही जवाब दिया आपने। तो आप लोगों ने कभी, आप लोगों में से कोई म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, कोई म्यूजिक सुनता है? हाँ बिल्कुल म्यूजिक सुनते हैं। किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं आप? समटाइम रॉक, डिपेंड ऑन मूड, समटाइम क्लासिकल। तो आप में से कोई, आपका मतलब कोई फेवरेट डीजे है?
नहीं मेरा तो नहीं, अभी इतना डीजे के लिए नॉलेज नहीं है, कौन प्ले करता है हम ये पता है। मार्टिन गैरिक्स नाम से है कोई, जो कि इस वक्त वर्ल्ड के नंबर वन डीजे हैं। तो हाँ जी, आपका सही जवाब है कि मार्टिन गैरिक्स इंडिया का नंबर, मतलब वर्ल्ड का नंबर वन डीजे है। और ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरे को बस इतना ही पूछना था आपसे। थैंक यू सो मच। राइट, मैं अभी एक और ग्रुप के साथ हूँ। आपका नाम? विपुल शर्मा। आपका? कमल। सौरभ। रोहित। आप पीछे क्यों खड़े? आप भी बता दो अपना। अमन मक्कड़। अच्छा, एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछना मेरे को आप लोगों से, 8 मार्च को क्या है? 8 मार्च को होली नहीं है यार, संडे। संडे, वुमेंस डे। संडे, वुमेंस डे। इन्होंने सही बोला, 8 मार्च को वुमेंस डे है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 9 मार्च को क्या है? 9 मार्च को होली है। होली है अब तो, होली तो चलो इस साल है 9 मार्च को। वैसे हर साल 9 मार्च को क्या होता है यार, इतना तो पता नहीं है भाई। अच्छा चलो, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। 9 मार्च को है इंटरनेशनल डीजे डे। क्या आपको मालूम है डीजे के बारे में, डीजे कौन होता है, क्या होता है? मेरे को मालूम है, डीजे रविश। डीजे रविश, ये तो अपना फैन निकल गया भाई। अच्छा, तो इस डेट के बारे में आपको नहीं पता था? नहीं। ओके चलो, मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को पता था इस डेट के बारे में? नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू।